2022 का वो रण। मुझे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, ऐसे नौजवान को जिसने एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके बाद भी मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, साथ में युवा मोर्चा का प्रदेश का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार युवाओं के नौजवानों के बीच में काम करता रहा हूँ। पिछले समय से कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, उसमें हमारी चार धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरा पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। देखिए सब एक से एक काबिल हैं, इसलिए सबको जो है पूरी क्षमता से वो अपना काम कर पाए, इसलिए उनका सबका जो है प्रमोशन किया गया है और निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। अच्छा आप लोगों में से एक आदमी प्रश्न पूछे पहले ना, आप लोग तय कर लो पहले कौन पूछेगा। 2022 में आप कहां कहां का रुख करेंगे, किस तरह से आप शुरू करेंगे? देखिए मैं लंबे समय तक इस प्रदेश के अंदर मैं इस कोने कोने से वाकिफ हूँ, मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से जानता हूँ, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में मैंने वहाँ पर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने जो है खटीमा जो कि भारत नेपाल सीमा पर क्षेत्र है वो मेरी कर्मस्थली रही है। इसके अलावा नौजवानों युवाओं के बीच में लगातार घूमता रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ, उन समस्याओं को समाधान के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा, हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी। सर कई दिग्गज नेता दिन तक नाराज बताए जा रहे थे लेकिन शाम तक शपथ ग्रहण तक आपने सबको बना लिया, इस रूप में आप देखते हैं कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? नहीं नहीं देखिए ऐसा है, मैं आयु में छोटा हूँ और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदर पूर्वक, अपने छोटों को स्नेह पूर्वक, सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। आप निकले हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो की युवा है वो आपकी ओर निगाह लगा के देख रहे हैं, क्या निर्णय होंगे युवाओं के लिए खासतौर पे रोजगार और पलायन के मुद्दे पर? देखिए निश्चित रूप से नौजवानों की युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उनकी सब उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उसके लिए अपने प्राणों प्रण से काम करूंगा। देखिए ऐसा है कि हमारा जो मूल मंत्र है कि जो हमारी ये सरकार है, ये सरकार सरकार के रूप में नहीं बल्कि जनता के साझेदार के रूप में काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। लेकिन मैंने शायद आपने सुना नहीं, मैंने इसके बारे में शुरू में ही बोला था कि वास्तव में इसमें बहुत समस्या है और पर्यटन को खोलना और चार धाम यात्रा को चलाना हमारे प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है। ये आपका भाषण पूरे से वायरल हो रहा है, जिसमें आप कहते हैं सुनाई दे रहे हैं कि भी छोड़ी की मैंने ध्यान नहीं दिया, होने दी, अब आप सीएम हैं तो ये दरियादिली आगे रहेगी? देखिए पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नई बातों को शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
पे कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दिलाना, क्योंकि युवाओं के बीच अच्छी पैठ है, अच्छी पहचान है और युवाओं के लिए कार्यरत रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर प्रदेश के कई कोनों से, तो उनके लिए रोजगार और पलायन की जो समस्या है उस पर काम करेंगे। कोरोना की वजह से जो खाई बनी है बेरोजगारी की, उसे पाटने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार जनता के द्वार तक जाएगी, ये कहते हैं और बड़ा मुस्कुराते हुए ये बताते हैं कि हमसे कोई नाराज नहीं है। एक थोड़ी सी पॉज और हंसी के साथ कहते हैं, देखिए कौन नाराज है, सब तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज पूरे दिन की उठापटक को उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ इस तरीके से समेटा कि सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, मैं छोटा हूं इसीलिए सभी सीनियर्स के पास, वरिष्ठ नेताओं के पास मैं बड़ा समझ के जाऊंगा और अपने से छोटों के साथ स्नेह के साथ पेश आऊंगा। तो कुल मिलाकर जो पहली चुनौती थी वो तो यहाँ पर पार होती नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से जिस तरीके की खबरें थी कि क्या वरिष्ठ नेताओं को मना पाएंगे, क्या उनके पास जाकर और क्या जिस तरीके की तस्वीरें और खबर आ रही है उस पर विराम लगेगा, जी हाँ विराम लग चुका है। इसके बाद अब प्रेस वार्ता में प्रेस से बात करते हुए तमाम सवालों का जवाब दिया, कई अहम चीज निकल के सामने आई। बार बार सवाल पूछे गए कि युवाओं के बीच जो आपकी छवि है, जो एनर्जी है, वो कितना रेजोनेट करेगी आपके सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि बिल्कुल मैं कोने कोने से वाकिफ हूँ, यहाँ की भौगोलिक परिदृश्य पृष्ठभूमि को जानता हूँ, मिट्टी को जानता हूँ, सीमांत क्षेत्र से आता हूँ, तो यहाँ की चुनौतियों से मैं दो चार हूँ। नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, आज की तस्वीरों से तो ये साफ नजर आता है कि ये ऊर्जा, युवाओं के बीच छवि, ये तमाम चीजें नया संदेश दे रही हैं। और जो पहली चुनौती के तौर पर पुष्कर धामी के सामने चीजें निकल के आई थी, वो चुनौती यहाँ से पार होती भी नजर आती है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की खबरें थी उन पर विराम लग गया। तमाम वो वरिष्ठ नेता मंत्री मौजूद रहे जहां नाराजगी से परे, ये देखिए अब बधाई का सिलसिला शुरू होता है। शपथ ग्रहण के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है जहां उन्होंने बधाई संदेश दिया है देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री पुष्कर धामी जी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड सर्वांगीण विकास के नए मार्ग पर चलेगा। उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट शपथ ग्रहण के साथ ही। तो जो पुरानी कुछ ताजे हैं तो उनको यहाँ ताजा करवाते हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है, आप दूर से आए हैं, तो धामी जी के बारे में हम सब जानते हैं, आपकी बहुत पुरानी मित्रता है, कुछ बताइए।
देखिए पुष्कर सिंह धामी की अंदर जो है एक अच्छा योग्य नेता है, कुशल राजनेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक दक्षता जो है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी है। दूसरी बात, वो गांव, गरीब, खेत, किसान, सैनिक परिवार से आते हैं, तो इस तरह उनका एक विराट बहुआयामी व्यक्तित्व है। और हम लोग विद्यार्थी परिषद में भी साथ साथ काम किए हैं, हम लोग युवा मोर्चा में भी साथ साथ काम किए हैं, वो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने करीब से देखा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड की इस देव भूमि को एक ऐसा लाल मुख्यमंत्री के रूप में दिया है जो इसका नाम रोशन करेगा। बड़ी जिम्मेदारी है, समय कम? निश्चित रूप से समय कम है, लेकिन मैं मानता हूं, मैं देख रहा था शपथ में युवा, जिस तरह से युवाओं का जोश था, युवाओं के अंदर जो उत्साह था, उमंग था और विश्वास था, यह विश्वास कहता है कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में परिवर्तन आएगा। अशोक जी एक चीज का जवाब दीजिए कि ये बार बार सत्ता परिवर्तन क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, जब भी करती 3 बार करती है? देखिए मैं मानता हूँ कई बार राजनीति में बहुत अचानक परिवर्तन होते हैं और ये होते रहेंगे आवश्यकता अनुसार। ये कोई हमारे यहाँ होता है ऐसा ही नहीं है, सब जगह ऐसा होता है, कभी कभी आवश्यकता होती है तो ऐसा होता है। हर हटने वाले को प्रतिभावान और बहुत यशस्वी भी बताते हैं। मैं ये मानता हूँ व्यक्ति को सबकी, हर किसी की खूबियाँ ही देखनी चाहिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, मनुष्य को हमेशा सकारात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक ही सोचना और देखना चाहिए। 2022 अपना है, 2022 उत्तर प्रदेश में भी हमारा है और उत्तराखंड में भी हमारा है। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ अशोक कटारिया जी, उन्होंने अपनी बात बताई, तो किस तरह से उनके पुरानी यादों को उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसमें उन्होंने अपनी यादों को साझा किया, और अपने सहयोगी कैमरामैन। तो देखिए अब तमाम सिलसिले शुरू हो गए हैं, जिसने भी साझेदारी की है, जिसके साथ काम किया है, उन लोगों के विचारधाराएं भी अब निकल के सामने आ रही है और बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के हाथ में अब उत्तराखंड की कमान है। अब वो 11वें सीएम के तौर पर इस मुश्किल वक्त में पार्टी का भरोसा है, पार्टी का नाम है, जहां पर उन्होंने खुद कहा कि पार्टी माँ की तरह होती है और जब ये जिम्मेदारी देती है तो बड़े छोटे के साथ चलने की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जिसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा और बढ़ रहा हूँ। तो कुल मिला के 11 मंत्री शपथ लेते नजर आए। पहले खबर थी कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे, लेकिन नहीं, आज मंत्रिमंडल के शपथ के साथ कुल मिला के ये हरी झंडी दे दी गई है कि अब यहां से चुनावी मैदान में एक नए सिरे से उतरिए, एक नई ऊर्जा, एक नए चेहरे के साथ उतरिए, क्योंकि वक्त बेहद कम है। ये सवाल बार बार हर किसी से पूछा जा रहा है। अच्छा, इस पूरे दरमियान अरविंद पांडे का बयान भी बेहद खास रहा, जहां वो कहते हैं कि ना सिर्फ इन 6 महीनों के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए भी सीएम रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने, इस पर तमाम जो नेता हैं उनसे बात करने पर वो यही कहते हैं कि चेहरा तो नेतृत्व निर्धारित करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। और ये रही तमाम तस्वीरें, ये देखिए, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तमाम लोग बुके के साथ, फूल के साथ कोशिश कर रहे हैं, बातचीत की भी कोशिश लगातार जारी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, देखिए किस तरीके से यहाँ पूरा माहौल जोश है, ऊर्जा है और एक नए संचार के साथ, और तमाम वो लोग हैं जो बधाई देना चाहते हैं, तमाम युवा मौजूद हैं। अगर आप इस भीड़ को देखेंगे तो युवाओं की भीड़ आपको खास तौर पर डोमिनेट करती नजर आएगी, क्योंकि यही छवि है। और इनके बीच जो पैट है, एबीवीपी से लगाए तमाम जो छोटे स्तर से, ग्रास रूट से जब शुरू करते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ, युवाओं के साथ, तो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा वहीं संचारित होती है, उनसे मैच करती है, रेजोनेट करती है। वो सारी चीजें आज खुल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि कंधे पर उठा लेना अपने सीएम को और युवा मोर्चा की नारेबाजी, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं पुष्कर सिंह धामी के इमेज के साथ। और ये तस्वीरें देखिए, अब गाड़ी में सवार हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और रवानगी की तस्वीरें लग रही हैं। लेकिन इस बीच भी देखिए लोगों का उत्साह, तमाम लोग अभी भी झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को देख रहे हैं और लगता है अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के आज शाम होते होते उत्तराखंड की राजनीति में एक नई शुरुआत की पहल दिखाई देती है, जहां आज की सुबह भी थोड़ी हलचल थी, लेकिन शाम होते होते वो हलचल भी थम जाती है और अब ये नया संदेश जाता है कि युवाओं की ऊर्जा के साथ,
सुबह कीजिए, उठिए और 2022 की रणभेरी में लग जाइए। इसी संदेश के साथ 11वें सीएम पद की शपथ लेते आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को, जहां उत्तराखंड के लिए अब चुनाव का वक्त, उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन ये एक तस्वीर आपके सामने, तो खट्टीमा से दो बार विधायक और विधायक के बाद सीधे सीएम पद की शपथ और बहुत सारी जिम्मेदारी युवाओं से, युवाओं को काफी उम्मीद है इनसे। और ये देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह की ये तमाम तस्वीरें, कुल 11 शपथ लिए गए हैं जिसमें मंत्री पद की शपथ लेते। खास बात यह है कि पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव नहीं है, तमाम लोग वही हैं, टीम वही है, बस मुखिया बदला है। और चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी अब अगुवानी करेंगे इन तमाम नेताओं की। इन्हीं तस्वीरों को, इन्हीं चेहरों को लेकर भी खबरें थी, लेकिन इन खबरों पर कयास पर अब विराम लगता है कि यहां थोड़ी नाराजगी थी, सीनियोरिटी को लेकर थोड़ी सी मन मुटाव की स्थिति थी, लेकिन ये स्थिति अब नहीं रही क्योंकि ऑफिशियली सभी मौजूद रहे, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते नजर आए और यहां से सारी चीजों पर कयास लगते। ये 8 तस्वीरें हैं आपके सामने, 8 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है और कुल 11 शपथ हो चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और बदलाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, सतपाल महाराज को देख रहे हैं, हरत सिंह रावत, बंशीधर भगल, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी। शपथ ग्रहण की ये तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, हर एक खबर पर, हर एक कोने पर हमारी नजर रही है और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ खास बदलाव नहीं है, मंत्री वही हैं, 11 कुल शपथ हुए हैं जिसमें सीएम भी शामिल है, पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। और ये मंत्रिमंडल, ये वो टीम है जो इंटैक्ट है, पुरानी है, लेकिन इनकी अगुवानी करने वाला चेहरा अलग है। ये चेहरा अब पुष्कर सिंह धामी है जिसकी टीम की ये तस्वीरें हैं शपथ लेती हुई। आज 11वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हो गई तमाम सियासी उठापटक के बीच। बड़ी खबर यह है, सीएम बनने के बाद ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी, शाम 8 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजपोशी के तुरंत बाद कैबिनेट बैठक की खबर मिल रही है। 8 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर पहले राजभवन से बाहर निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बीजापुर सेफ हाउस में आज 8 बजे कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। आज रविवार है और आज के दिन ताजपोशी के बाद बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट की बैठक बुलाई है 8 बजे। यानी एक्शन मोड में, वक्त बिल्कुल नहीं गंवाना है। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने आपको एबीपी गंगा पर तस्वीरें दिखाई थी एक्सक्लूसिव, जब वो रवाना हुए थे राजभवन से शपथ ग्रहण के बाद, प्रेस वार्ता के बाद, प्रेस के सवालों का जवाब देने के बाद रवानगी की तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन अब अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि बीजापुर गेस्ट हाउस में शाम 8 बजे कैबिनेट की पहली बैठक भी हो जाएगी। तो कुल मिला के फुल एक्शन मोड में नए नवेले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां अब से थोड़ी देर पहले ही ताजपोशी हुई है। चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं, सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विनोद बताइए, अभी अभी जाती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, रविवार है तो बीजापुर गेस्ट हाउस में ही तमाम चीजें अरेंज भी हो गई। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए दो बड़ी अपडेट हैं। एक तो ये है कि जो मंत्रिमंडल है, पहले उसमें 3 राज्य मंत्री थे, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत, उनको भी प्रमोट कर दिया गया है, यानी अब उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, उनको पदोन्नत कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अभी पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हुई है और अभी थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये जरूर माना जाए कि समय नहीं गंवाना है और लगातार अब एक्शन में जरूर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जरूर दिखाई देंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी, और क्योंकि समय कम है, करीब 6 महीने से कम
का समय है, 6 महीने का समय है, तो ऐसे में सभी कार्य करने होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेशर होगा तो वो 2022 का होगा, उसको पार पाना बड़ी एक चुनौती पुष्कर सिंह धामी के सर पर होगी, उनके कंधे पर होगी। ये जो बदलाव हुए हैं, 3 नए प्रमोशन हुए हैं, इस बारे में भी थोड़ी डिटेल दीजिए। बिल्कुल स्नेहलता, देखे मैंने जैसे बताया कि अभी तीरथ सरकार में 3 राज्य मंत्री थे और 8 कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद 3 राज्य मंत्री को भी इस पुष्कर सिंह धामी सरकार में प्रमोट कर दिया गया है, वो यानी 3 राज्य मंत्री को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, ये बड़ी अपडेट है। और उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर बाद बड़ी अपडेट दी है, थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ से निकले हैं। 8 बजे अभी तक चीजें चल रही थी कि सेम पोर्टफोलियो पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, आप फिर से मैं चाहूंगी दोहराइए इन 3 नामों के साथ। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर भी है उन 3 राज्य मंत्रियों के लिए जो पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, अब ऐसे में उनको प्रमोट किया है राज्य मंत्री रेखा आर्य से, वो अब कैबिनेट मंत्री हो गई हैं। और उसके बाद स्वामी यतीश्वरन जो हरिद्वार से आते हैं, वो भी अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है। और धन सिंह रावत जो अभी हाल की सरकार में उस शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनको भी प्रमोट कर अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर है और एक इनके लिए भी एक अच्छी संकेत है कि इनको भी प्रमोट कर दिया गया है पुष्कर धामी सरकार में। अब ऐसे में राज्य सरकार की अब बड़ी पहली कैबिनेट बैठक पुष्कर धामी की होने जा रही है, सभी इसमें कैबिनेट तो एजेंडे तैयार होंगे। नाराजगी दूर करने का जरिया तो नहीं था कि चलिए अब जिसको जो चाहिए वो दिया जाए ताकि फुल एनर्जी के साथ काम पे लगे। जी देखिए, आज सेम वैसा ही नजारा हमने 3 महीने पहले भी देखा था, जैसे ही तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई थी तो वो भी एक्शन मोड में यहाँ दिखाई दिए थे, उन्होंने भी बीजापुर गेस्ट हाउस में तुरंत एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी, उसमें सारे कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री फौरन तौर पर पहुँचे थे, एजेंडे तैयार हुए थे, लेकिन हालात कुछ और उत्तराखंड के हुए। और ऐसे में अब सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ये दिख रहा है कि सरकार से लेकर संगठन तक किस तरीके की एक आपसी समन्वय बने रहे और ऐसे में एजेंडे किस तरीके के तैयार होंगे 2022 में, सबसे बड़ा अगर दबाव है, प्रेशर है, तो वो 2022 का होगा कि कैसे उससे जीत पाए, कैसे उसमें अपनी जीत दर्ज करे। तो तमाम एजेंडों को आज रखे जाएंगे कैबिनेट बैठक में, क्या क्या फैसले होते हैं उस पर थोड़ा सा नज़र जरूर हमारी रहेगी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज एक्शन में जरूर है और ये भी एक संकेत है कि कोई भी समय नहीं गुजारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस कैबिनेट बैठक में सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि देखिए पुरानी टीम है, बहुत सारी चीजें हैं, बस एक मुखिया का चेहरा बदला है। तो क्या आज से ही लेट्स टॉक बिजनेस वाली बात होगी कि चलिए काम की ही बात करते हैं, या औपचारिकताएं होंगी थोड़ी बहुत? जी स्नेहलता, देखिए यही प्रेशर है मुख्यमंत्री पर कि आखिरकार किस तरीके के काम अब 6 महीने में करने हैं, क्योंकि इतना दबाव है और सबसे बड़ा प्रेशर अगर चुनौती भी कहें तो 2022 है, क्योंकि 6 महीने के करीब अब मुख्यमंत्री के पास है, उसी में उनको साबित करना होगा आखिरकार किस दमखम के साथ वो जीत दर्ज करे 2022 को लेकर। और ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक होनी है, तमाम एजेंडे तैयार होंगे, आगे की रूपरेखा क्या हो सकती है, और एक कट सी मुलाकात भी होती है जब नया मुख्यमंत्री की ताजपोशी होती है, अलग अलग मंत्री राज्य मंत्री अब सबसे वो मिलते हैं, तो ऐसे में आज कैबिनेट बैठक 8 बजे बीजापुर सेफ हाउस में होगी, तो उसमें एक मुलाकात भी होगा। और सुबह से शाम हो गई है, हालांकि सन से अब दूर हो गया है, जैसे सीएम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके कैबिनेट सदस्यों ने शपथ ली, तो सन से और नाराजगी जरूर दूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार मिलना उनसे जरूरी है, तो कैबिनेट बैठक के जरिए वो उनसे बातचीत भी करेंगे और जो नाराजगी उनकी रही है, और साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी का यही इशारा होगा, यही एक लक्ष्य होगा कि सभी को साथ लेकर, सभी का सहयोग लेकर 2022 में इस प्रचंड जीत के साथ ही ऐसी ही एक आकांक्षा रखी जाएगी, साथ सम्मान और छोटों के स्नेह के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये बातें उन्होंने सामने रखी, अब देखते हैं 8 बजे इस कैबिनेट बैठक के साथ कौन कौन सी चीजें आगे बढ़ती हैं। आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के।